तो दोस्तों, मैं आज पहुंचा हूं मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में। आज हम कुछ युवाओं से बात करेंगे जो काम की चीज। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम मालू पोसवाल है और मैं जयपुर से हूं। मैं यहां पे स्टडी करता हूं इंजीनियरिंग कॉलेज में, सीटीए में। बहुत बढ़िया। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज के समय में आपके हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन अभी चल रहा है कि फ़ोन पे लगने के बाद इंस्टाग्राम चलाया जा रहा है, फेसबुक, तो टाइम पता ही नहीं चलता। और जो इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं उसमें बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता कि कैसे टाइम बीत रहा है। और कुछ घंटे हो जाते हैं, फिर रियलाइज़ करते हैं कि यार मैंने तो यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। और अब पढ़ाई करते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले भी रील्स चला रहे होते हैं। तो ये टाइम का एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन पॉइंट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ। और बहुत सारी और भी फैक्टर, कॉलेज के भी फैक्टर होते हैं, जैसे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना एक डिस्ट्रैक्शन का टाइम, मतलब कि ऐसा होता है ना कि घूमने जा रहे हैं और स्टडीज को मतलब कि दूर कर रहे हैं, तो मेरे लिए ये भी फैक्टर है। अच्छा, एक्चुअली देखा जाए तो आप दिल से चाहते नहीं हो कि आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, आप चाहते हो कि अपने टाइम को इन्वेस्ट करना, फिर भी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना चाहते हुए भी, राइट? यही बात है ना? अच्छा। हाँ, नहीं पता होता है ना कि गलती, अपने को पता होता है कि अपन मतलब कि अपने इसे गलती करेंगे तो अपने साथ बुरा होगा, बट फिर भी अपन उस गलती को ठीक नहीं करते। कि पता होता है अपन नहीं पढ़ेंगे तो अपने नंबर कम आएंगे, बट फिर भी नहीं पढ़ते, क्योंकि जब एक पढ़ना तो एक दिन पहले होता है, एग्जाम्स पहले। तो ये डिस्ट्रैक्शन पता होते हुए भी अपन नहीं सुधार पाते। तो अगर आपको कोई अगर गाइड करे, कुछ भी किसी को, अगर मतलब किसी मेंटर को फॉलो करो, कोई आपकी बात को, आपकी प्रॉब्लम को समझे, आपको गाइड करे, तो आप उसकी बात को मानोगे? हाँ, ये तो है कि गाइड करने के लिए कोई अगर हो तो फिर अपन मतलब कि बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आज के टाइम पे यूथ को, स्टूडेंट्स को गाइडेंस की ज़रूरत है, मतलब अदर देन स्टडी और अदर देन रील्स एंड वॉट एवर हैं, मतलब गाइडेंस की ज़रूरत है। बहुत बढ़िया बात आपने बोली है। ठीक है, मैं नेक्स्ट आता हूँ। आप अपना नाम बता दीजिए। माई नेम इज़ पंकज गफूरिया, आई एम फ्रॉम झुंझुनू और मैं यहाँ सीटीए कॉलेज के अंदर हूँ, कंप्यूटर साइंस ब्रांच है मेरी। अच्छा, आप बताइए आपके हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? मेरे हिसाब से एक तो सोशल मीडिया और इसके अलावा एक ऑनलाइन गेमिंग, जो जैसे फ्री फायर हो गए, ये खेलने लग जाते हैं हम कई बार। जैसे एग्ज़ाम आ रही है तो एग्ज़ाम के अंदर भी खेलने लग जाते हैं, एक डेढ़ घंटा ऐसे निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। आपको लगता है कि जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो रील्स की वजह से भी कहो, वीडियोज़ की वजह से भी कहो, ओपोजिट सेक्स अट्रैक्शन जो ज़्यादा बढ़ गया है, वो भी डिस्ट्रैक्शन का कारण है, आप मानते हो उस बात को? हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपके हिसाब से आपको कब ज़्यादा रिग्रेट होता है, किस टाइम पे? अब जब अगर रील्स चलाते हैं, शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, उस टाइम तो इतना नहीं होता। अब मान लो कि दो घंटे हो गए, ढाई घंटे हो गए, फ़ोन बंद कर दिया, उसके बाद सोचते हैं कि अपना ढाई घंटे वेस्ट हो गए, इतने में एग्ज़ाम भी यही थी आ रही है हमारे, तो एग्ज़ाम का पढ़ते कुछ से, तो उसके बाद देखने के बाद थोड़ा गलत फील होता है। बहुत बढ़िया, आप लोग मिले मुझे, मैं आप लोगों को गाइड करूँगा और मैं आपको ऐसा एक तरीका बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को तो पता ही है, आप इन भाइयों को भी पता चलेगा बहुत जल्दी, उनको एक रास्ता मिलेगा और ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना, ये प्रॉब्लम इनको नहीं होगी, बहुत अच्छा रास्ता मिलने वाला है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और इनके लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है, नेक्स्ट आप पहले अपना नाम बताइए। जी, मैं नरेश थापा जम्मू एंड कश्मीर से हूँ और मैं इधर सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी स्टडी कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपने कहा कि डिस्ट्रैक्शन, तो डिस्ट्रैक्शन आज की सबसे बड़ी यही है कि कुछ चीज़ें जो पाना, जो चाह है ना, वो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। कुछ चीज़ें अच्छी चाह होती हैं, कुछ बुरी चाह होती हैं। जैसे मतलब हमें एक चाह होती है कि हमें कुछ बनना है, वो तो अच्छी होगी, बट एक चाह होती है कि मेरे को गर्लफ्रेंड चाहिए, वो चाह सबसे ज़्यादा गलत हो जाती है उस टाइम जब हम कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं अपने घर वालों के लिए या अपने आप को कुछ आगे बढ़ाने के लिए, बट उधर डिस्ट्रैक्शन आ जाती है गर्लफ्रेंड की, वो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें जैसे मतलब अपन किसी को बुलेट पे जाते हुए देख रहे हैं, घर के हालात अपने तो अच्छे नहीं है, बट अपनी चाय, अपने बुलेट चाहिए, अपने घर वालों को तंग कर रहे हैं कि मेरे को भी बुलेट चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है कि हमें जिस जिंदगी पे अपन को चलना चाहिए उधर से अपन भटक जाते हैं और जो गलत चाह होती है हमारी ज़िंदगी में उसको पाने के लिए चलते रहते हैं, इसको पाएंगे। क्या आप अपने आप को बदलना चाहते हो? हाँ, बदलना तो चाहेंगे, क्यों नहीं। अगर मैं अगर आपके साथ चलूँ और आपको मैं गाइड करूँ को, तो आप फॉलो करोगे मेरी बात को? जी जरूर। बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट आपका नाम बताइए। मेरा नाम आशुतोष शर्मा है, मैं राजसमंद से हूँ। कहाँ से? राजसमंद। बताइए आपके हिसाब से, इन्होंने तो अलग बोला, आपका कुछ अलग पॉइंट है इसके अलावा? सोशल मीडिया हमेशा गलत नहीं होता है। सोशल मीडिया, जैसे कि आप हो, आप भी अभी सोशल मीडिया पे ही हो, तो वैसे है ना, हमेशा गलत नहीं होता है। अगर आप कहीं सही चीज़ देख रहे हो तो वो है ना आपको इम्पेक्ट सही देगी।
और अगर आप कोई गलत चीज देख रहे हो या फिर कोई मतलब टाइम पास करो कहने का मतलब, तो वो सिर्फ एक टाइम पास होगा, लेकिन अगर आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो तो वो थोड़ा आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। बहुत बढ़िया आपने बोला है, बहुत शानदार आपने ओपिनियन दिया है। आप मंथन हब के बारे में जानते हैं क्या? यूट्यूब में नहीं जानते ना, अभी तक आप लोगों को पता नहीं चला। चलो अभी पता चल जाएगा सबको, ठीक है दोस्तों। मंथन हब एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसने लास्ट 6 ईयर से खास करके यंगस्टर को गाइड किया है, और उसका जो मेंटर मैं ही हूँ और उसका क्रिएटर मैं ही हूँ, जिसमें अब तक 12 लाख स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और देश विदेश के 13 करोड़ यंगस्टर देख चुके हैं। खास करके मेरा जो टॉपिक है वो ब्रह्मचर्य है, ठीक है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य का मतलब कि जैसे कि आप अपनी जो अंदर की जो एनर्जी होती है उसको मतलब कि बचा के रखना, कहने का मतलब कि वैसे मतलब कि ब्रह्मचर्य का मतलब भी हमने सुना है, इतना कभी प्रयोग तो किया नहीं है। ऐसे आजकल की मतलब कि जो माहौल बहुत खराब है, वह ऐसा हो गया कि ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि आप अपनी जो अंदर की जो शक्ति है, ऊर्जा है, उसको यूटिलाइज करके आप किसी अन्य काम में उसको यूज करना, कि जैसे आप फालतू कामों में अपन उसको वेस्ट कर देते हैं, बट वो उसको अपन किसी प्रोडक्टिव चीज के लिए अपन उसको यूज करना। तो वो आजकल की मतलब कि आजकल के यूथ में ऐसा कुछ हो नहीं रहा, मतलब कि ब्रह्मचर्य एक ऐसा टॉपिक मतलब कि लोग की थिंकिंग ही चेंज हो चुकी है, इग्नोर कर रहे हैं इस चीज को, जबकि ये रूट है। बट लेकिन जीवन का जो संकल्प अंदर है, अपनी आत्म जो शक्ति होती है, ब्रह्मचर्य के अंदर ही हो सकती है, क्योंकि जो जीवन की शक्ति है 7 गुणों में पाई जाती है। एक तो अपने मस्तिष्क, एक छाती, और एक ब्रह्मचर्य जो अपना शरीर का जो भी गुण होता है वो इसी से आ सकता है। तो ब्रह्मचर्य से अपनी मतलब की जो ऊर्जा है वो बनी रहती है अगर अपने इसको पालन कर। अगर आपको मार्गदर्शन मिलेगा इसके विषय में तो आपको बहुत और भी नॉलेज आपकी बढ़ेगी, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपको मतलब आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, लेकिन जब आप मंथन आपको देखोगे तो कम्प्लीटली पूरा नॉलेजेबल बन जाओगे इस टॉपिक में। ना कि सिर्फ आप लिटरली बनोगे, अब भी तो प्रैक्टिकली बनोगे, आप अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करोगे और वो उसका आउटपुट आपको अपने स्टूडेंट्स लाइफ में दिखेगा। आपको बहुत ही साइंटिफिकली गाइड किया गया है मंथन हब चैनल में, मैं आपको लिंक दूंगा अभी, आप थोड़ा सा बताइए तो जो भी आपको मन में आ रहा है कि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, और जो इन्होंने कहा इसको भी आप रेफर कर सकते हैं, आप कितना जानते हैं इसके बारे में? इतना तो कुछ ब्रह्मचारी के ऊपर कभी सुना नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि होता है कि जो ब्रह्मचारी होते हैं वो मतलब अपने मस्तिष्क के ऊपर, आंखों के ऊपर, जीभ के ऊपर, जो अपनी 5 इंद्रियां होती हैं ना, उनके ऊपर वो अपना पूरा कंट्रोल रखते हैं। बहुत बढ़िया। आप मानते हो कि पहले के टाइम पे हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, चाहे स्टूडेंट्स भी क्यों ना हो, वो थोड़ा सा हमसे ज्यादा संयमी थे? हाँ शायद, हाँ क्योंकि मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा, और हमारे जितने भी बाप दादे होते थे वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर जोर देते थे। हाँ। वो हमारी तरह इतना चंचल नहीं हुआ करते थे। हाँ। आपसे पूछना चाहूँगा, आप जम्मू कश्मीर से हैं, बहुत बढ़िया बात है, दूर से आए हैं उत्तर भारत से, जैसे कि हुई कि आपके? हाँ वो तो है, जैसे हमने सुन रखा है कि हनुमान जी हमारे ब्रह्मचार्य थे। हाँ। ब्रह्मचारी थे, मतलब कि उन्होंने पूरे ब्रह्मचार्य को फॉलो करते थे। तो बस यही है कि उनकी स्टोरीज वगैरह सुनी हुई है, उधर ही सुना हो ब्रह्मचार्य, बाकी जो इन्होंने बोला तो मैं उसके साथ सहमत तो हूँ कि हाँ सही में ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, जीवन में कुछ अचीव करना है बड़ा तो। बहुत बढ़िया, इतना तो आप जानते हैं, जिस दिन आपको पूरा ज्ञान इसके ऊपर मिल जाएगा ना, आपका जीवन बदल जाएगा और आप अपनी एनर्जी को एक सही चैनल दे पाओगे। आप कुछ बोलेंगे इसके बारे में? कुछ ना कुछ तो बोलेंगे लग रहा है, आपके अंदर है मुझे लग रहा है। ब्रह्मचार्य एक सोच है, सोच है, एक विचार है, ऐसा कहना विचार है, कि कुछ इंद्रिय कंट्रोल तो वैसे हो, वो है ही है, कि संयम तो है ही, संयम तो हमारे पास तो नहीं है, लेकिन जैसे कि होता है कि है ही, और इसमें जैसे एडिशनल और चीज़ें जैसे डाली जाए तो ये एक आपको माइंड को कंट्रोल कर सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, माइंड कंट्रोल भी ब्रह्मचर्य का पार्ट है और एक जीवन शैली भी है, जीवन जीने का तरीका है ना। हाँ। कैसे जीवन जीना, कैसे उठना है सुबह, उठ करके कितना टाइम मैं अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए दे रहा हूँ, वो भी ब्रह्मचर्य का पार्ट है। अपने फोकस को बढ़ाने के लिए, अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए क्या क्या मैं कर रहा हूँ, कौन सा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कौन सा मेडिटेशन कर रहा हूँ, फिर उस एनर्जी को किस तरीके से मैं अपनी स्टडी में लगा रहा हूँ, अपने गोल पे लगा रहा हूँ, वो भी ब्रह्मचर्य का पार्ट है। प्लस जो मेरा गोल है उसके लिए मैं अपना 100% दे पा रहा हूँ कि नहीं, नहीं दे पा रहा हूँ तो वो मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर पाना भी ब्रह्मचर्य का एक पार्ट है। जिस दिन हम ब्रह्मचर्य करेंगे हमारा फोकस कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा, हमारा स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा और
मोटिवेशन की जहाँ तक बात कर रहा हूँ, सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। अगर आपके जीवन में ब्रह्मचर्य होगा ना, आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने आप में एक खुद अपने आप का मोटिवेशन गुरु हो जाओगे। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया। इस वीडियो के नीचे देखना, कमेंट पढ़ना आप लोग सब लोग, कितने लोग आप लोगों की भी तारीफ करेंगे जिन्होंने आपने बहुत अच्छा कहा। क्या नाम है आपका? मालू पोस्टवान। बहुत बढ़िया, आपकी भी काफ़ी तारीफ करेंगे, आपकी भी तारीफ करेंगे। बाकी सब लोगों ने बहुत अच्छा कहा है, कुछ ना कुछ अपना विचार रखा है। और चैनल का नाम क्या है? मंथन हब। मंथन हब टाइप कर लेना, सर्च कर लेना। हमारे पूरे देश में ना बहुत बड़ी जागृति आएगी। मुझे आप लोगों को गर्व होगा कि हमने 15-10 मिनट दिया, इसका प्रभाव हमारे देश पर पड़ा। खुशी आप लोगों को इस बात की? बहुत बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद बोल दीजिए। तो अभी आपने सुना ब्रह्मचर्य के बलम के इसके बारे में, तो आप इसको अभी आप भी यही सोचिए कि इसके अपने अपने जीवन में इसको उतारे और इसका पालन करें, जीवन का एक नया रूप, नई दिशा पाने के लिए, एक जीवन में नई एक तो एक नया रास्ता पाने के लिए इसका जरूर पालन करें। तो हम सब यही कहना चाहेंगे इसके बारे में। बहुत बढ़िया, इतना ही। धन्यवाद।